नमस्कार, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी के चैनल पर। और आज हम अपनी इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि भारत में जो रिफ्यूजीज हैं उनका संकट कैसे बढ़ रहा है। साथ ही साथ हम जानेंगे कि माइग्रेंट्स और रिफ्यूजी इनमें क्या फ़र्क होता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पीडीएफ के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा, तो जाकर आप वहाँ से इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, भारत में जो रिफ्यूजी संकट था वो जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तभी से ही हम ये कह सकते हैं कि शुरू हो गया था। और 2010 तक आते आते हमारे पास जो रिफ्यूजी की जो संख्या है वो 4,50,000 के तक पहुंच गई थी। ये 2010 के आंकड़े हैं हमारे सामने। और एक इंटरनेशनली अगर मैं बात करता हूँ कि 1951 रिफ्यूजी कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है, फिर इसके बाद एक प्रोटोकॉल हुआ था 1967। तो यहाँ पर जब ये हुए तो काफ़ी देशों ने इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, इसमें साइन किया था कि भाई हम आपके जो नियम हैं, कानून हैं, वो मानेंगे। लेकिन भारत ने इस पर कोई भी साइन नहीं किया था। अब क्यों नहीं साइन किया था उसके पीछे भी कुछ रीज़न है, वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर कोई भी साइन ना करने की वजह से हम देखते हैं कि हमारे देश में जो रिफ्यूजी लॉ है वो है ही नहीं। अब इससे क्या होता है, रिफ्यूजी के लिए कोई भी कानून नहीं है, तो इससे ये होता है कि यूनिफॉर्मिटी नहीं है। यानी कि कोई रिफ्यूजी को किसी अलग ढंग से ट्रीट करता है हमारे देश में, कोई बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करते हैं, कोई कोई दया भाव उसके साथ सहानुभूति लगा लेते हैं तो उसके साथ अच्छे से ट्रीट कर देते हैं। तो यहाँ पर कोई भी कानून ना होने के कारण हम देखते हैं कि नो यूनिफॉर्मिटी है हमारे देश में। अब रिफ्यूजी जो है या फिर कहीं रिफ्यूजी लॉ है वो मानवाधिकार, मानवीय कानूनों, इनके सबके साथ वो जुड़ा हुआ है, क्योंकि इनमें ऑब्वियसली रिफ्यूजी है ही कौन, मानव ही तो हैं। अब उनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है या उनके रहने की व्यवस्था कैसी है, जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो उनको उनके कितनी प्रोवाइड की गई हैं, तो ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो मानवाधिकार के अंडर आ जाती हैं। अब एक वीडियो है जो मैंने दैनिक भास्कर में, इन्होंने ये अपलोड की थी, ग्राउंड रिपोर्ट की थी, दिल्ली के अंदर जो है जो रोहिंग्या मुसलमान है वो रह रहे हैं, उनकी दुर्दशा बताते हुए यहाँ पर जो है दैनिक भास्कर के रिपोर्टर के द्वारा यहाँ पर पेश की गई थी। अब आप ये देखेंगे, ये इनका नाम मरियम है शायद ऐसा है। तो यहाँ पर मैं इसको आगे निकालता हूँ। हाँ, ये गांव इन्होंने रिपोर्ट की थी, बताया था कि हमारे देश के अंदर लगभग 40,000 के नज़दीक नज़दीक जो है वो रोहिंग्या मुसलमान जो वो रहते हैं। अब ये रिफ्यूजी हैं, अब इनके पास एक कार्ड भी आपको देखने को मिलेगा जो UNHCR के द्वारा इनके द्वारा जो है वो कार्ड दिया गया था। अब आप ये देखेंगे, ये व्यक्ति यहाँ पर अपनी दुर्दशा बता रहे हैं। आपको आवाज़ तो नहीं आ रही होगी क्योंकि मैंने यहाँ पर आवाज़ जो म्यूट करके या फिर जो जिसमें रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसमें आवाज़ आती नहीं है, इसमें मेरा फॉल्ट नहीं है। तो यहाँ पर ये अपना दुख बता रहे हैं कि भाई हमें यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, हमारी बेसिक जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर पूरी नहीं हो पाती हैं, या फिर कहें कि हमारे यहाँ ये जो बता रहे थे कि इनके 5-6 जो लोग हैं उनको सांप काटने की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। तो इनको काफ़ी सारे संकट जो हैं वो यहाँ पर कह रहे हैं कि बहुत उनको झेलने पड़ते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। हाँ, भारत में जो शरणार्थियों के लिए जो अभी फिलहाल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर कोई कानूनी जो जो भी कानूनी रूप है उनको हम कैसे हैंडल करते हैं या फिर जो रिफ्यूजी होते हैं उनको कैसे हैंडल करते हैं, उनके बारे में जांच कर लेते हैं। देखिए, भारत में सभी विदेशी, चाहे वो अवैध अप्रवासी यानी इमाइग्रेंट्स हों, चाहे वो शरणार्थी यानी रिफ्यूजी हों, या शरण मांग कर आने वाले जो लोग हों, या फिर जिनका वीज़ा परमिट है वो उसकी समय सीमा जो है वो ख़त्म हो गई हो, ये सभी जो हमारे देश में रह रहे हैं, तो इन सब के साथ जो है कुछ कानून है उनके अकॉर्डिंग जो है वो कार्रवाई करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने आता है विदेशी अधिनियम 1946। अब यानी कि फॉरनर्स एक्ट ऑफ 1946, इसका सेक्शन नंबर थ्री कहता है कि केंद्र सरकार को जो अवैध विदेशी नागरिक हैं उनका पता लगाने, उनको अरेस्ट करने और उनको निर्वासित करने, यानी कि भैया उनको डिपोर्ट करने का अधिकार है। फिर इसके बाद है हमारे सामने पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920, ये भी है। इसकी धारा यानी इसका सेक्शन 5 कहता है कि जो भी हमारे देश के अंदर जो अथॉरिटी है उसके पास इतनी पावर है कि वो संविधान के आर्टिकल 258 क्लोज 1 के तहत किसी अवैध विदेशी व्यक्ति को फोर्सफुली यानी कि बलपूर्वक जो है वो बाहर निकाल सकते हैं। ये भी हमारे देश में कानून है। इसके अलावा हमारे सामने विदेशी पंजीकरण अधिनियम 1939 है, यानी रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरनर्स एक्ट ऑफ 1939। इसमें क्या कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति हमारे देश में आ रहा है, अगर वो 180 दिन से ज़्यादा टाइम रह रहा है, यानी 180 दिन बोले तो लगभग 6 महीने से ज़्यादा दिन का टाइम अगर देश में बिताना चाह रहा है, तो उसके पास ऑब्वियसली उसे पता है कि उसको इतना टाइम लगेगा, तो वहाँ पर जाए उसको 14 दिन पहले ही अपना एक रजिस्ट्रेशन करवा लेना होगा, वरना नहीं करवाएंगे तो वापस उनके साथ ये कहेंगे कि उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा या फिर उनके प्रति जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये एक कानून है हमारे सामने। फिर हमारे सामने आता है नागरिकता अधिनियम, सिटीजनशिप एक्ट
1955 जो आपने संविधान के अंदर सुना भी होगा कि भी कैसे किसी को नागरिकता दी जा सकती है, कैसे उसकी नागरिकता को छीना जा सकता है, ये सब चीजें हैं। फिर हमारे हमारे पास आता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो इसी का एक हिस्सा है। 1950 ये कहेंगे कि सिटीजनशिप एक्ट 1955, इसी में संशोधन किया गया था। अब इसमें संशोधन करके ये कहा गया था कि जो हिंदू, क्रिश्चियन, जैन, पारसी, सिख और बुद्धिस्ट जो इमाइग्रेंट्स हैं, उन जो प्रोसिक्यूटेड है, यानी कि जो एक तरीके से कहिए जिनको मार मार के भगाया जाता है, जिनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जाता है, जिनको अधिकार नहीं है उन्हीं के देश में, जैसे कि वो बांग्लादेश हो गए, पाकिस्तान हो गए, अफगानिस्तान हो गए, तो उनको जो है वो नागरिकता दी जाएगी हमारे देश में, ये सीए में बात बोली गई थी। इसके अलावा देखिए, ये बात तो हिंदी में वही होगी जो इंग्लिश में मैंने आप लोगों को अभी सामने दिखाई थी। और भारत में शरणार्थी होने का दावा करने वाले जो विदेशी नागरिकों के साथ व्यवहार करते समय सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा अनुपालन हेतु एक मानक संचालक प्रक्रिया, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये भी स्थापित किया गया है कि भाई जितनी भी एजेंसीज हैं जो अगर किसी भी इमाइग्रेंट के साथ, किसी भी रिफ्यूजी के साथ अगर वो डील कर रही है, तो वो किस तरीके से करेंगी, इसका भी हमारे देश में एक एसओपी बनाया गया है। अच्छा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वर्सेस अरुणाचल प्रदेश राज्य 1996 में मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि भारतीय नागरिकों के लिए सभी मौलिक अधिकार उपलब्ध हैं, तथापि और साथ ही साथ इसका मतलब समता का अधिकार, समता यानी राइट टू इक्वालिटी और राइट टू लाइफ, वो विदेशी नागरिकों को जैसे वो भारत के नागरिकों को प्राप्त है, ये सेम टू सेम जो विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त होते हैं। भारत में शरणार्थियों की स्थिति कब से, मतलब कि अब जाने की स्टेटस कैसा है भारत के अंदर, देखिए स्वतंत्रता के बाद भारत के जो पड़ोसी जो देश हैं वहां से शरणार्थियों को विभिन्न समूहों में हमने स्वीकार किए हैं। फॉर एग्जाम्पल 1947 के अंदर विभाजन के कारण जो पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थी हुए, 1959 के अंदर तिब्बत से आने वाले शरणार्थी हुए, 1960 के अंदर हम बात करें पूर्वी पाकिस्तान यानी कि आज की डेट में जो बांग्लादेश है, वहां से चकमा और हाजोंग हो गए, ये जो शरणार्थी हो गए। फिर वर्ष 1965 और 1971 में जो बांग्लादेश शरणार्थी जो आए, 1980 के अंदर श्रीलंका से आए तमिल शरणार्थी भी, और अभी आपने देखा होगा कि जो श्रीलंका के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस है उसके चलते वहां पर इमरजेंसी, जिसके चलते वहां पर पूरा ही एक अराजकता का हमें सिचुएशन देखने को मिलती है, अराजकता श्रीलंका के अंदर, उसके कारण भी भारत के अंदर कुछ जो तमिल है या फिर कहें कि श्रीलंकाई जो नागरिक है वो भारत के अंदर एंट्री ले रहे हैं। हाल ही में अभी म्यांमार की अगर मैं आपको उदाहरण दूं, रोहिंग्या मुसलमान भारत के अंदर लगभग रह रहे हैं, जो मैंने आप लोगों को अभी वीडियो दिखाई, लगभग 40,000 के करीब जो है वो भारत के दिल्ली के अंदर जो है वो रोहिंग्या मुसलमान जो है रह रहे हैं। अब क्या फर्क होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्यूजी एंड माइग्रेंट। देखिए, रिफ्यूजी जो होते हैं वो आउटसाइडर देयर कंट्री ऑफ द ओरिजन, मतलब कि रिफ्यूजी वो लोग हैं जो अपने देश से बाहर रह रहे हैं, वो मतलब किसी पर्टिकुलर देश के निवासी हैं और अपने देश में बाहर रह रहे हैं। वो देश से बाहर क्यों रह रहे हैं, उसके पीछे रीजन ये है कि उनको मारा गया, उनके देश के अंदर उनकी जान को खतरा था, उनकी इंटीग्रिटी, उनकी फ्रीडम, इन सबको खतरा था, मतलब कि वहां पर आर्म फोर्स में कि आर्म कंफ्लिक्ट हो गया था, वायलेंस हो गया था या पब्लिक डिसऑर्डर हो गया था, इस कारण उनको अपना देश मजबूरी में छोड़ना पड़ा था। फिर इसके अलावा माइग्रेंट लीव देयर कंट्री, माइग्रेंट्स कौन होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो अपनी कंपनी काम जो अपनी कंपनी का अपनी कंट्री जो है वो इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उनको काम चाहिए होता है स्टडी के लिए, या फिर जो उनकी फैमिली जो वो कहीं बाहर रह रही होती है दूसरे देश में उसको ज्वाइन करना, तो वो माइग्रेंट कहलाते हैं। अब देखिए, देर आर वेल डिफाइंड एंड स्पेसिफाइड ग्राउंड विच हैव टू बी सेटिस्फाइड बिफोर ए पर्सन कैन क्वालिफाई टू बी ए रिफ्यूजी। देखिए, रिफ्यूजी के लिए हमारे पास एक सुपरिभाषित एक परिभाषा है, लेकिन जो हम बात करते हैं, देर इज नो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड लीगल डेफिनेशन ऑफ माइग्रेंट। माइग्रेंट के लिए कोई डेफिनेशन यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं की है इंटरनेशनल के ऊपर, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत फर्क तो बता दिया गया कि रिफ्यूजी और माइग्रेंट्स के बीच में फर्क क्या होता है। क्या भारत में जो अभी मैंने आप लोगों को बताया ना कि एक कानून है या फिर कहीं की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, कन्वेंशन हुआ था 1951 के अंदर, तो भारत में उसमें साइन नहीं किए, क्यों नहीं किए। देखिए, शरणार्थियों की परिभाषा असहमति। देखिए, शरणार्थी अभी समय यानी कि अकॉर्डिंग टू 1951 कन्वेंशन रिफ्यूजी आर डिफाइंड, रिफ्यूजी को कैसे डिफाइन किया गया था, ये वो लोग होते हैं जिनको वंचित यानी कि उनको अधिकार नहीं दिए गए, कौन से, सिविल और पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए गए, बट नॉट देयर इकोनॉमिक राइट्स, मतलब इसमें इकोनॉमिक राइट्स को इंक्लूड नहीं किया गया था। यदि आर्थिक अधिकारों का उल्लंघन को भी अगर शरणार्थी की परिभाषा में शामिल कर लिया जाए तो यह स्पष्ट रूप से विकसित देशों पर भी एक बड़े बोझ का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर यूरोपीय केंद्रीयता, एक दूसरी बात यह है कि भारत का ये मानना है कि शरणार्थी अभी समय यानी कि जो रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 के अंदर जो ये जो कन्वेंशन है वो जो फोकस है वो उसका फोकस कहाँ है, यूरोप के ऊपर फोकस है, यानी यूरोसेंट्रिक ये है एक, यानी कि यहाँ पर इस कन्वेंशन के अंदर दक्षिणी एशियाई देशों की परवाह, मतलब यहाँ पर इन देशों के ऊपर कोई ये नहीं देखा गया कि यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ेगा,
साथ ही साथ भारत द्वारा यह आशंका भी व्यक्त की गई कि यह जो जो कन्वेक्शन है ये जो देश की हमारे देश की सुरक्षा और घरेलू कानूनों को प्रभावित करेगा, यानी हमारे जो दक्षिण एशिया के देश हैं इन देशों के अकॉर्डिंग ये जो है कन्वेक्शन नहीं है। अब भारत में शरणार्थियों के समक्ष जो कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे अभी मैंने जो आपको वीडियो दिखाई उसके अंदर जो व्यक्ति अपने आप को यहाँ पे जो एक रोहिंग्या मुसलमान था, एक रेफ्यूजी है, तो वो बता रहा था कि कैसे वहां पर उनको कैसे कैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अब वो बोलता है कि भय और असुरक्षा, ऑब्वियसली उनको बहुत डर लगा रहता है कि कोई उनको जॉब देगा नहीं देगा, अगर किसी को पता चल गया वो रिफ्यूजी है तो उसको कहीं मारने ना लग जाए, तो उसको एक डर रहता है। तो भय और असुरक्षा यहाँ पर आती है हमारे सामने। शरणार्थियों को यानी कि जो रिफ्यूजी है उनको समाज में अधिक महत्व तो दिया नहीं जाता, स्थानीय जो निवासी है उनके साथ कुछ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, जिसमें उनके कारण क्या होता है कि उनके अंदर डर का और एक असुरक्षा का भाव जो है वो विकसित होने लगते हैं। स्थानीय निवासियों द्वारा इसी भूमि पर नागरिक न होने के कारण उनके साथ शारीरिक भावनात्मक उनका शोषण किया जाता है। और एक दूसरा यहाँ पर बुनियादी जो सुविधाएं हैं, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उनकी जो सुविधाएं वो प्रोवाइड करना, यानी जो एमिनिटीज हैं, यानी जो होता है ना कि आपको जिंदा रहने के लिए भोजन, कुछ रहने के लिए आपको शेल्टर, थोड़ा बहुत रोजगार तो आपको चाहिए होता है, वो सब चीजें इनके लिए नहीं होती हैं, जिससे क्या इनकी स्थिति और ज्यादा खराब होती चली जाती है। वो इनके पास वेतन का कमाने या काम करने के लिए नहीं होता, अब ये जो काम भी करते हैं तो वहाँ के जो लोकल है उनका और ज्यादा शोषण करने लग जाते हैं, होता है ना कि कम रुपए में काम कर लो, तो ये करने पे मजबूर होते हैं वहां पर। उनकी सुरक्षा के लिए सुपरिभाषित ढांचे का अभाव, देखिए शरणार्थियों पर भारत की तदर्थ प्रशासनिक नीति ने भ्रम का माहौल उत्पन्न किया है, जागरूकता की कमी और भ्रामक सूचनाएं शरणार्थी समुदायों के बीच असुरक्षा और पृथकता यानी उन्हें सेपरेट करने की भावना पैदा करती है। पहचान की लंबी प्रक्रिया, देखिए शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त यानी UNHCR, देखिए जो हमारे देश के अंदर जो शरणार्थी है, जैसे मैंने आपको जो वीडियो दिखाई है उस व्यक्ति के पास जो था वो एक कार्ड था, वो UNHCR उस कार्ड के ऊपर लिखा हुआ था, ये ब्लू कलर का वो कार्ड था, ठीक है। शरणार्थी स्थिति निर्धारण प्रक्रिया के माध्यम से एक शरणार्थी कार्ड जारी किया करता है, लेकिन इस प्रक्रिया में बहुत ज्यादा समय लगता है और पहचान एवं मूल्यांकन में 20 महीने का समय लग जाता है। उस अवधि के भीतर यदि कोई शरणार्थी पुलिस के द्वारा अगर गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें UNHCR तक कोई पहुंच प्रदान किए बिना हिरासत में रखे जाने के कारण उनको डिपोर्ट जैसी कार्रवाई से गुजरना पड़ता है, उनको वापस भेज दिया जाता है। अप्रवासियों के रूप में गलत पहचान, पिछले कुछ दशकों में पड़ोसी देशों में बहुत सारे लोग अवैध रूप से भारत में आ बसे, वे राज्य के उत्पीड़न का कारण नहीं बल्कि बेहतर आर्थिक अवसरों का लाभ उठाने के लिए हैं। अब देखो कुछ लोग आ भी रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि इस देश के अंदर यानी भारत देश के अंदर काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो इसलिए वो भी आ जाते हैं। इस तरह का उदाहरण हमें विश्व के अन्य स्थानों पर भी देखने को मिलता है, जैसे मेक्सिको की अगर मैं बात करूं, वहां पर 98% ने संयुक्त राज्य अमेरिका में रुक कर लिया। देखिए सोचिए 98% जो मेक्सिको के जो वहां के जो लोग हैं वो USA में अपना मतलब कि जा चुके हैं, सोचिए उनकी संख्या 9 मिलियन से भी अधिक है जो पंजीकृत और गैर पंजीकृत है, यानी रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड को मिला के बात करो। यह सच है कि भारत में अधिकांश चर्चाएं अवैध अप्रवासियों के बारे में होती है, शरणार्थियों के बारे में नहीं, लेकिन ये दोनों श्रेणियां एक दूसरे से, मतलब हम कहेंगे कि हम माइग्रेंट्स की बात करते हैं, इमाइग्रेंट्स की बात करते हैं, रिफ्यूजी की बात नहीं करते, लेकिन है तो देखा जाए तो दोनों एक ही हैं। यहाँ पर आगे की राह क्या हो सकती है, न्याय संगत और प्रभाव पंजीकरण प्रक्रिया। देखिए पंजीकरण और पहचान में मानकों को बढ़ाने या बनाए रखने के दौरान शरणार्थी यानी रिफ्यूजियों की स्थिति निर्धारण करने वाली प्रक्रियाओं को अधिक न्याय संगत और प्रभावी बनाया जाना चाहिए, बुनियादी सुविधाओं के अंदर उनको सुधार करना चाहिए। अब यहाँ पर एक बात लिखी गई है, इनकी शिक्षा तक पहुँच थोड़ी बहुत सुलभ कर देनी चाहिए, यानी हाँ यहाँ तक ये पहुँच पाए, जो विशेष जो चीज़ें हैं मतलब बहुत बेसिक जो चीज़ें हैं इन तक इनकी पहुँच कर दी जाए, या फिर जो अपने कमाने के जो साधन हैं इनको थोड़ा बहुत तो कमाने के साधन इनको उपलब्ध कराए जाएँ, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। स्थानीय निवासियों में जागरूकता का एक तरीके से उनको अवेयरनेस करवाना, देखिए जो रिफ्यूजी हैं उसको आश्रय प्रदान करने और उन्हें अस्थायी आजीविका यानी कि टेम्पररी लिवलीहुड उनको प्रोवाइड करने, थोड़ा बहुत वो अपने आप कमा सकें, अपनी जीवन के अंदर थोड़ा बहुत सुधार ला सकें, ये सब करने के हेतु सामुदायिक भागीदारी आवश्यक है, यानी कि जो लोग हैं हमारे जो लोकल जो हम बात करें कि हमारे ही जो हम लोग जो हैं लोकल्स मिलकर जो हमारे पास पास अगर शरणार्थी हैं तो उनको कुछ ऐसा करना चाहिए या उनको अवेयरनेस करवानी चाहिए कि ये जो लोग हैं इनकी रहने की व्यवस्था के अंदर थोड़ा बहुत सुधार हो सके। ये सब चीज़ें तभी होंगी जब अगर अवेयरनेस होगी तो। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, देखिए हमारे संविधान में बहुत ही एक बढ़िया फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 51A(ई) में बात बोली गई कि प्रत्येक नागरिक से महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध अपमानजनक अभ्यासों का त्याग करने की
अपेक्षा रखते हैं कि यानी कोई भी ऐसा काम मत करो कि भाई हमारे साथ कोई महिला है, हमारे सामने कोई महिला है, तो उसे मतलब कि वो एक तरीके से अनकंफर्टेबल महसूस करे, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई महिलाओं का और बच्चों का कोई गलत यूज़ ना कर रहा, भावनात्मक समर्थन होना चाहिए। एक व्यक्ति ऐसी परिस्थिति का कारण शरणार्थी बनता है जो वो नहीं चाहता, उसके नियंत्रण से बाहर होते हैं, उसके कंट्रोल अधिक है। कोई व्यक्ति अगर भारत में आ रहा है या फिर किसी भी देश में जा रहा है तो उसके पास वो चीज़ें नहीं होंगी या फिर उसके देश में वो कंट्रोल उसके पास नहीं होगा, वो कोई भी नहीं चाहता यार। देखो अगर हम कहते हैं कि हम अपने देश को छोड़ के जा रहे हैं, हम नहीं चाहेंगे ना कि हम अपने देश को छोड़ कर जाना पड़े, लेकिन ऐसा नहीं होगा हमारे देश में कि भाई कोई ऐसी स्थिति आए। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसी कोई स्थिति आ जाए हमें अपने देश को छोड़कर जाना भी पड़े तो हम किसी दूसरे देश में जाकर रह रहे हैं, तो ये सब चीज़ें देखें तो वो हमारे हाथ में थोड़ना था कि हमारे देश में ऐसी सिचुएशन आई कि हम अपने देश को छोड़ने में मजबूर हुए। ऐसी ही सेम चीज़ें ये हैं, ये जो लोग जैसे रोहिंग्या मुसलमान हैं या फिर कोई भी दूसरे शरणार्थी हैं या फिर हमें श्रीलंका की अगर मैं बात करता हूँ, तो इनके पास ऐसी कोई इन कंट्रोल नहीं था कि भाई ये अपने देश की स्थिति को कंट्रोल कर सकें, ये मजबूर थे, इनको छोड़ के आना पड़ा। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को समझना चाहिए और इनके साथ एक इमोशनल टच या इमोशनल सपोर्ट भी इनको करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो टॉपिक है शरणार्थियों से रिलेटेड, कि भारत में रिफ्यूजी संकट बढ़ रहा है, इसको कैसे सोल्व किया जा सकता है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया तो बेशक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पीडीएफ के लिए ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का एक लिंक मिलेगा, तो आप जाकर वहाँ से इस वीडियो की पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही था, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।